हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, जैसे कि अपना चैप्टर चल रहा था कैश फ्लो एनालिसिस, तो उसमें अपन ने कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया था, तो जिसके अंदर अपन ने तीन टाइप की एक्टिविटीज के बारे में समझा था, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है, फाइनेंसिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है। तो जिसका अपन ने ऑपरेटिंग का कर लिया है क्वेश्चन, इन्वेस्टिंग का कर लिया, अब अपन आज इस लेक्चर के अंदर फाइनेंसिंग का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है गाइस, अब फाइनेंसिंग को समझेंगे अच्छे से। जब हम ये तीनों एक्टिविटीज के इलेक्शन कर लेंगे, फिर अपन इसको जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसको अपन इनडायरेक्ट मेथड से भी समझेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, ठीक है, मजुमदार लिमिटेड कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो गाइस, इसमें अपने को एक तो दे रखा 31 मार्च 2013 है, तो इसको अपन बोल सकते हैं जी ओपनिंग बैलेंस, और एक दे रखा 31 मार्च 2014, इसको अपन बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है। तो गाइस, वैसे अपन बात समझने की कोशिश करें तो पहले जो कैपिटल थी वो 6 लाख की थी, अब है 10 लाख की, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 4 लाख की जो कैपिटल है वो इशू की गई है। ठीक है, तो अपन रफली यहाँ पे लिख देते, फिर अपन इसका स्टेटमेंट बनाएंगे जिससे कि एक एक पॉइंट को अपन समझ सके। तो यहाँ पे इश्यू करी है इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, कितने की गई, 4 लाख की, तो ये हो गया, इससे समझ में आया। उसके बाद अगर अपन प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो पहले 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर थे, अब 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर है, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर कम होगा, इसका मतलब रिडीम कर दिए, तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने के, 1 लाख रुपए के। ठीक है गाइस, ये 1 लाख रुपए के ब्रैकेट में आएंगे, ठीक है, अब रफली कर रहे हैं। उसके बाद फिर अपन ने सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है कि पहले 1 लाख का था, अब 2,60,000 का, इसका मतलब ये है कि अगर इसमें 1,60,000 अगर एडिशनल आया है, ऐड हुआ है, तो इसका मतलब वो कहां से आया होगा, जो शेयर कैपिटल है वो 1,60,000 के प्रीमियम पर इशू हुई है, इसका मतलब ये होता है गाइस, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने समझा दिया था। ठीक है, तो 1,60,000 का डिफरेंस है वो अपन ने कैपिटल में लिख दिया, क्योंकि जो सिक्योरिटी प्रीमियम आता है वो शेयर इशू करने पर आता है। उसके बाद 14% डिबेंचर की बात करें तो पहले था गाइस 2 लाख और फिर 2,50,000, इसका मतलब जो है डिवेंचर 50,000 के बढ़े हैं, इसका मतलब इशू किए गए, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन इशू ऑफ डिवेंचर कितने के गाइस 50,000 के। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। उसके बाद अब बात कर लेते हैं जो मोस्ट पॉइंट है इसका, वो है ये वाला डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। पहले डिस्काउंट ऑन डिवेंचर कितने का था गाइस 5 लाख का, अब कितने का, सॉरी 5,000 का, अब कितने का 6,000 का, मतलब 1,000 का डिस्काउंट बढ़ा है। इसका मतलब क्या है कि जो इशू ऑफ डिवेंचर करे थे 50,000 के, वो 1,000 रुपए के डिस्काउंट पर इशू किए गए थे, इसका मतलब ये 49,000 के यहाँ पे पैसे आए हैं। अगर ये डिक्रीज हो रहा होता तो अपन इसका मतलब यहाँ पे पूरे के पूरे 50,000 लिखते। ठीक है, अब उसके बाद लिखा हुआ अंडरराइटिंग कमीशन और इश्यू ऑफ शेयर, पहले तो कुछ भी नहीं था, अभी 20,000 है, इसका मतलब हमारे जो शेयर्स हैं वो इश्यू हुए किस पर, अंडरराइटिंग कमीशन पर, तो माइनस करेंगे यहाँ पे 20,000, तो इसका मतलब गाइस आया है अपने पास जो पैसा है वो 5,40,000 रुपीस कैपिटल में आएगा, ये अपने को यहाँ पे लिखना है, ये प्लस में आएगा गाइस। ठीक है ना, तो ये अपने पास प्लस में आएगा 5,40,000। ठीक है, अब अपने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का 1 लाख का कर दिया, इश्यू ऑफ डिवेंचर में अपन को पता है 49,000 आएगी, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर पहले 5,000 था, 6,000 हो गया, इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए इसका मतलब 1,000 रुपए का डिस्काउंट और हुआ है, तो वो कब हुआ होगा, जब डिवेंचर इश्यू करें। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लिखा कि डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर एंड इंटरिम डिविडेंड 15% वर पेड ऑन इक्विटी शेयर ऑन 31 मार्च 2014। इन्होंने कहा कि प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड पेड करना है और इंटरिम डिविडेंड पेड करना है इक्विटी शेयर पर 15% का, तो दोनों के दोनों डिविडेंड अपन पेड करेंगे जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। उसके बाद उन्होंने कहा प्रेफरेंस शेयर रिडीम करें, इन्होंने कितने परसेंट प्रीमियम पर, 5% प्रीमियम पर, तो ये 1 लाख रुपए की रिडेम्पशन तो है, ये 1 लाख प्लस इसमें 5,000, 1 लाख का 5% और आएगा गाइस 5,000 का प्रीमियम, तो टोटल अगर अपन बात करें तो 1,05,000 टोटल पैसा गया है, 1,05,000 आएगा। ठीक है गाइस, इसका मतलब ये है, और 31 मार्च 2014 को अपन ने किया है। इन्होंने कहा जो न्यू शेयर्स एंड डिवेंचर जो इश्यूड किए गए हैं वो 31 मार्च 2014 को करे गए, ये डेट इसलिए लिख दी है क्योंकि अपन को ये बात पता होती है कि 31 मार्च 2014 को अपन लोगों ने अगर ये इशू करे हैं, इसका मतलब अगर डिवेंचर अगर 31 मार्च इशू, इसका मतलब कि हमें केवल 2 लाख रुपए पे इंटरेस्ट देनी है, और ठीक है, और गाइस जो डिविडेंड जो पेड करना है वो भी केवल ओपनिंग पे करना है, क्योंकि जो अपन ने इशू करे ये 4 लाख के और जो डिवेंचर अपन ने इशू करे अपन ने 50,000 के, ये एट द एंड ऑफ द ईयर करें, इसलिए ना तो इसमें कोई डिविडेंड पेड होगा और ना कोई इंटरेस्ट पेड होगा, इसलिए ये डेट दी हुई है। और अगर ये डेट नहीं दे रखी होती तो अपन तो वैसे भी अजम्पशन लेते हैं ओपनिंग बैलेंस पे ही सब कुछ देते हैं, लेकिन अगर ये क्लोजिंग में कुछ और डेट देता तो अपन फिर उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करते। तो गाइस ये था इस क्वेश्चन का ओवरव्यू, जो कि आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस अपन इसका अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे अपन लिख रहे हैं, सबसे पहले अपन ने यहां पे लिखा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, फिर अपन को फॉर्मेट पता ही है किस तरीके से बनता है इसका, यहां पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यहां
यहाँ पे लिख दिया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अपने जैसे जैसे सीखा, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। तो अपन ने इसको समझा किस तरीके से कि अपने पास जो था डिफरेंस 6 लाख से 10 लाख के बीच में 4 लाख का डिफरेंस है, 4 लाख इंक्रीज हुई है कैपिटल, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में बात करी, 1 लाख से 260 हुआ, तो यानी 1,60,000 सिक्योरिटी प्रीमियम आया है, और माइनस कराया कि अंडरराइटिंग कमीशन पहले कुछ भी नहीं था, अभी है 20,000 का, तो अपने शेयर पे दिया है, तो ये 20,000 अपने माइनस होंगे। तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा 4 लाख और 165,60, 20 लेस करेंगे तो 5,40,000 ये पैसा अपने पास आएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। अब उसके बाद प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं। 4 लाख से 3 लाख हो गए तो अपन का रिडेम्पशन हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, अब रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो अपन को पता है कि 1 लाख रुपए कम हुए, तो अपन ने 1 लाख ले लिए थे, 4 लाख से 3 लाख हो गए, और प्लस करा था इसमें, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर सेकंड में कि प्रेफरेंस शेयर का रिडीम किया गया 5% प्रीमियम पर, तो 1 लाख का 5% होता है जी 5,000, तो टोटल पैसा गया है 1,05,000। तो गाइस ये भी अपन ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये पैसा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने अब डिबेंचर की बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, क्योंकि इश्यू ऑफ डिवेंचर के बारे में क्या सीखा था अपन ने कि यहाँ दे 2 लाख के और यहाँ हो गए 250 के, तो 50,000 के बढ़े, लेकिन यहाँ पे अपन ने फिर समझा डिस्काउंट, पहले 5,000 था, फिर 6,000 था, तो 1,000 का डिस्काउंट भी बढ़ा है, तो अपन ने यहाँ पे क्या करा 50,000 में से 1,000 लेस कर दिए, तो 49,000 के अपन ने इश्यू ऑफ डिवेंचर दिखाए 49 के। ठीक है, 1,000 का डिस्काउंट हो गया। उसके भाई बात गाइस बात करते हैं अपन, इसको एक बार इरेज कर देते हैं यहाँ से। तो गाइस अब बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन ने डिवेंचर का भी कर दिया, अब डिविडेंड देना है प्रेफरेंस शेयर्स पे और इंटरिम डिविडेंड पे, तो यहाँ पे लिखेंगे, और जो अपन ने प्रेफरेंस शेयर का जो रिडीम किया वो भी 31 मार्च 2014 को करा है, इसका मतलब अपने जो डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर थे वो पूरे के पूरे 4 लाख के थे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड पेड फॉर प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो डिविडेंड पेड किया फॉर प्रेफरेंस शेयर्स पे, और अपन कितने का लेंगे प्रेफरेंस शेयर्स जो अपने को दे रखे 4 लाख के। ठीक है, और 4 लाख को कितने परसेंट वाले वो अपन को पता है कि प्रेफरेंस शेयर्स के आगे जो रेट लिखी होती है वो डिविडेंड की होती है, 18% का देना है, तो 18% करेंगे 4 लाख का, तो 72,000 आएगा, तो ये पैसा पेड होगा, तो पैसा जाएगा अपने पास। ठीक है, 72,000 का। उसके बाद इन्होंने कहा है कि इंटरिम डिविडेंड देना है 15%, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड दे देंगे अपन कितने का, 6 लाख का। ठीक है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस का ही देना, क्योंकि जो और शेयर जो इश्यू हुए थे अपने इक्विटी शेयर वो 31 मार्च के थे, इसका मतलब ओपनिंग केवल 6 लाख के, तो पूरे साल 6 लाख के रहे हैं, तो 6 लाख का 15% देंगे। ठीक है, तो 6 लाख का जब अपन 15% देंगे तो 90,000 आएगा, तो ये भी पैसा अपने पास से जाएगा। ठीक है, तो अपन ने ये काम भी कंप्लीट कर लिया, मतलब अपन के पास फर्स्ट इन्फॉर्मेशन थी जो कि अपन ने ये भी कंप्लीट कर ली है, सेकंड कर ली है, और थर्ड के बारे में इन्होंने जो बताया था अपन ने उसके अकॉर्डिंग काम किया है। और उसके बाद अपन बात कर लेते हैं डिवेंचर की, तो डिवेंचर जो थे वो भी अपन ने लास्ट में इशू करे थे 50,000 के, इसका मतलब 2 लाख पूरे ईयर में रहे हैं, इसीलिए उसका 14% देंगे अपन, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दे देंगे कितने पे गाइस, यानी कि 2 लाख पे, तो 2 लाख का गाइस अपन बात करें 14% के, तो ये अपना होता है 28,000, तो ये भी अपना ब्रैकेट में आएगा क्योंकि यहां से पैसा जाएगा। अब अपन ने इक्विटी शेयर का काम कंप्लीट कर लिया, प्रेफरेंस शेयर का कर लिया, सिक्योरिटी प्रीमियम कर लिया, डिवेंचर का कर दिया, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर का कर दिया, और अंडरराइटिंग कमीशन का कर दिया। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट कर लिया जिसमें प्रेफरेंस शेयर को भी डिविडेंड दे दिया है, इक्विटी को भी दे दिया, प्रेफरेंस शेयर का रिडीम करा दिया 5% प्रीमियम के संग, और ये अपन ने जो नीचे की जो अमाउंट दे रखी थी थर्ड इन्फॉर्मेशन न्यू शेयर डिवेंचर इशूड करें उसके अकॉर्डिंग अपन ने कराए। अभी कहीं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है, अब अपन यहां पर निकालेंगे कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब ये निकालेंगे अपन, तो देखते हैं कितना आता है अपना। तो गाइस सबसे पहले जो अपन प्लस वाले वो लेकिन 5,40,000 प्लस में अपना और 49,000 प्लस में अपना, तो गाइस ये आ रहा है 5,89,000 प्लस में अपना। ठीक, कितना रहेगा 5,89,000 आ रहा है अपना प्लस में। ठीक है, अब माइनस वाले देख लेते हैं, 1,05,000 आ रहे हैं माइनस के, 1,72,000 आ रहे हैं माइनस के, एक अपना 90,000 आ रहा है माइनस के, और एक 28,000 आ रहा है माइनस के, तो माइनस के 2,95,000 कितने गाइस 2,95,000। ठीक है, तो प्लस के बैलेंस में से वो माइनस करा देंगे 5,89,000 से, 5,89,000 से करा देंगे, तो ये आएगा गाइस 2,94,000, कितना आएगा गाइस 2,94,000 प्लस बैलेंस, तो यहां पे लिखेंगे 2,94,000 प्लस का बैलेंस आया, तो यहाँ पे लिख दिया नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के साथ अपन ने
क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो गाइस अब तक के जो लेक्चर अपन ने लिया उसमें अपन की तीनों एक्टिविटीज हो गई है, ऑपरेटिंग डायरेक्ट मेथड से हुई है, इन्वेस्टिंग कर ली है और फाइनेंसिंग कर ली। अब अपन जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को समझेंगे इनडायरेक्ट मेथड से, ठीक है। तो गाइस अब तब तक रिवीजन करते रहे, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को क्या कर सकूं, सॉल्व कर सकूं। तो गाइस मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।